नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 10 का। देश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,20,000 के पार। कोरोना से अब तक 22,130 लोगों की जा चुकी है जान। चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक दिन में 519 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में कमजोर पड़ा कोरोना वायरस। WHO ने की धारावी मॉडल की तारीफ। कोरोना उपचार के लिए आइटोली जुमैप का होगा इस्तेमाल। DCI ने दी मंजूरी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ईडी ने शुरू की विकास दुबे की संपत्तियों की जांच। आपराधिक मामलों की स्थिति की मांगी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौशेरा सेक्टर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने दो आतंकियों को किया ढेर। कोरोना संकट के बीच देश की इकोनॉमी पर RBI गवर्नर का बयान। कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा संकट, लेकिन अब दिखने लगे आर्थिक सुधार के संकेत। PNB को अब लगा 3,688 करोड़ का चूना। DHFL को दिए गए लोन को घोषित किया गया फ्रॉड। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर आरोप। कहा खरीद फरोख्त से गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है बीजेपी। पाकिस्तान में कृष्ण मंदिर निर्माण पर रोक के बाद अब इस्लामाबाद में राम मंदिर में पूजा पर लगा बैन। फिलहाल मेरे साथ टॉप 10 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24। % प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट। एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।